जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ डायनामैक्स और आज हम फिर खेल रहे हैं भाई ट्रेनर्स टेल। और यहाँ आए हम लकी एयरशिप में, जो कि एक ये लक बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ आइटम यहाँ मिलेगा। यहाँ मेरे पास 16 टोकन्स हैं इसके। चलो पुल 10 टाइम्स करके देखते हैं हमको क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ भाई सबसे एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड है ये चिकोरीटा, ये मिल जाए भाई मज़ा आ जाए, क्योंकि 5 स्टार वाला पेट है ये, जो कि एपिक पोकेमोन की कैटेगरी में आते हैं। शायद काफ़ी सही रहेगा यार, मतलब 4000 वीनस और नीचे हैं और चिकोरीटा ये सब ऊपर, देख रहा हो। और यहाँ भाई हमारे पास 5 स्टार पेट के शार्ड्स कलेक्ट हो गए हैं। चलो इनको क्राफ्ट करके देखते हैं कि क्या मिलता है। यहाँ भाई हमें मिल गया है रैल्ट्स, सही है भाई, ये भी एपिक पोकेमोन्स की कैटेगरी में ही आता है। और फाइनल फॉर्म है इसका गार्डेवॉर। इस गेम में गलेड नहीं है यार, गलेड होता तो ज़्यादा बेटर लगता, क्योंकि गलेड ज़्यादा दिल के करीब है मेरे। बट गार्डेवॉर भी कुछ कम नहीं भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पोकेमोन रहेगा। अब बस ये है कि भाई इसे इवॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि हमने मेटैंग को इवॉल्व करने के लिए एक और बेल्टम पकड़ा था, रैल्ट्स को इवॉल्व करने के लिए हमें दूसरा रैल्ट चाहिए पड़ेगा, तो हमने इसको लेवल अप कर लिया लेवल 100 तक। अब बस दूसरा रैल्ट्स ढूंढना है हमें, कहाँ मिलेगा। तो जहाँ तक भाई मुझे याद था, ये 7 डे वाला जो इवेंट रहता है, 7 डे लॉगिन वाला, ये 7 डे ऑब्जेक्टिव, यहाँ मैंने रैल्ट्स का देखा था। और ये रहा भाई रैल्ट्स, रैल्ट्स के शार्ड्स हमने खरीद लिए 3500 डायमंड्स में। बस भाई मज़ा आ जाना है अब तो। तो भाई यहाँ आके हम रैल्ट्स के शार्ड्स को कंबाइन करते हैं और ये हमें एक और रैल्ट्स मिल चुका है। तो फाइनली अब हम हमारे रैल्ट्स को इवॉल्व कर पाएंगे, एक नंबर भाई, मज़ा आ गया। तो भाई ये रैल्ट्स इवॉल्व हो चुका है कर लिया हमें, और इसने एक रेज स्किल सीखी है। अब इसको अगर इवॉल्व करना है तो हमें देने पड़ेंगे 3 5-स्टार पेट्स और 1 6-स्टार पेट्स। कोई दिक्कत नहीं भाई, धीरे धीरे वो भी सब मिल जाएंगे। और यहाँ भाई मिस्टी वुड्स में एक आखिरी चैलेंज बाकी है, इसको भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं हमारी नई टीम के साथ। अब आप ये बोलोगे कि स्लैकोथ कहाँ से आया, तो भाई मिस्टी वुड्स में बीच बीच में कहीं कहीं एक्स्ट्रा पोकेमॉन्स मिलते हैं हमें सपोर्ट के लिए, जिन्हें हम मिस्टी वुड्स में ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी मस्त फीचर है भाई अभी इस गेम का। तो बस यहाँ हमें स्लैकोथ मिल गया है इस बार। हर बार अलग अलग कोई ना कोई पोकेमोन्स आते हैं भाई, तो कभी हमारे टीम के पोकेमोन कम पड़ जाएँ या टाइप का डिसएडवांटेज हो अपोनेंट की टीम से, तो उन पोकेमोन्स को यूज़ कर लो, बढ़िया रहते हैं। और यहाँ भाई ये स्लैकोथ बेचारा परेशान सा, कमज़ोर सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लगता है निपटने वाला है। और ये भाई इनका बेल्डम कंफ्यूज था, तो उसने अपने ही टीम के सुकून को मार दिया। ये भाई स्लैकोथ का ये मूव सबसे सही लगता है कि अपोनेंट को जब ये स्पेशल अल्टीमेट मूव यूज़ करता है तो अपनी और टीम मेंबर्स की हेल्थ इंक्रीज कर देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा हील कर देता है सबको। बस भाई मुझे मतलब डर सिर्फ एक पोकेमोन से, यहाँ आर्टिकूनो नहीं है भाई, वो है बेल्डम, क्योंकि उसके मूव से अपोनेंट कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होकर फिर अपने ही टीम मेंबर को पेल देता है भाई। और यहाँ रायचू के भाई अलग जल में, रायचू भले ही रैंक 5 का पोकेमोन है, बट 5-स्टार पोकेमोन है, बट फिर भी भाई बहुत तगड़ा है। रायचू का अटैक सबसे तगड़ा रहता है यार। ये आर्टिकूनो को निपटाया, फ्रीज हो गया भले, बट आर्टिकूनो को निपटा दिया। और यहाँ अपोनेंट की टीम निपटते हुए दिख रही है, बस 2 पोकेमोन बाकी हैं। और यहाँ हमारी मेन जो टीम के 5 पोकेमोन से 5 के 5 जिंदा है, स्लैकोथ हमारी टीम का नहीं था। और ये भाई करलिया ने निपटा दिया, एक नंबर। चलो ऑल वाला ले लेंगे हम भाई रूइन। और इसी के साथ मिस्टी वुड्स कंप्लीट कर लिया हमने। ये थोड़ा थोड़ा विक्ट्री रोड जैसा है, जैसा कि ट्रेनर के नाम में विक्ट्री रोड रहता है, 15 बैटल लगातार उस टाइप की इसमें रहती हैं। और यहाँ भाई हम सोच रहे हैं कि हमारा जो बल्बसौर है इसको इवॉल्व कर लेते हैं आईवीसौर में,
ये बन गया हमारा एक और 5-star pet। ये ऐसे कर करके भाई हम इनको यूज़ करेंगे और हमारे बाकी पोकेमोन्स को इवॉल्व करेंगे उनके फाइनल फॉर्म में। तो भाई अब इस ट्रेनर से बैटल करना है हमको विक्ट्री रोड में। ये ग्रास टाइप जिम लीडर थी भाई पोकेमोन में, इसका नाम याद नहीं है मुझे, बट ग्रास टाइप जिम लीडर थी और ये रेनबो बैच देती है। तो चलो भाई हमारे 6 पोकेमोन्स की टीम फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें राइचू, मेटैंग, स्टीलिक्स, लार्वेटार, स्टार्मी और कर लिया। 3 पोकेमोन फाइनल फॉर्म में 5-star वाले और बाकी 3 पोकेमोन अभी फर्स्ट सेकंड फॉर्म में ही है। सोचो भाई कुछ टाइम बाद हमारे पास होगा मेटाग्रॉस, टायरानिटार और गार्डिवॉर। क्या मस्त टीम होगी भाई, मज़ा आ जाएगा यार। और ये भाई करलिया ने जैपडोस को निपटा दिया यार, एक तरफा पोकेमोन ने कर लिया, मतलब बहुत सही डिसीजन था हमारा उसको टीम में लेने का। उसका अल्टीमेट मूव गजब का है यार, कुछ भी कहो। यहाँ ये भाई ये देखो मेटैंग ने फिर वही काम करा, ये बिल्डअप और इसकी वजह से करलिया ने लार्वेटार को डैमेज दिया यार, बहुत गलत हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया बेल्डम। तो भाई बेल्डम सॉरी मेटैंग तुझे तो निपटना पड़ेगा भाई। ये रायचू ने क्या तो थंडर मारा है भाई एक तरफा। और यहाँ भाई सेप्टाइल की मैजिकल लीप से हमारा बेचारा लार्वेटार निपट गया है, बट अपोनेंट का सिर्फ आर्टिकोनो बाकी है और हमारी टीम के 5 धुरंधर पोकेमोन बाकी हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी भाई आर्टिकोनो को निपटने में। और यहाँ हमारे मेटैंग और सीलिक्स का अल्टीमेट मूव अनलॉक हो चुका है। और ये भाई मेटैंग ने अल्टीमेट मूव से निपटा दिया आर्टिकोनो को और हमें मिल चुका है रेनबो बैच। तो भाई अब अगला जिम लीडर जो रहेगा जिससे हमें बैटल करनी होगी वो है कोगा, गोस्ट टाइप जिम लीडर। और इसके क्वेस्ट तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 क्वेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेस्ट है 5 पोकेमोन को लेवल 100 तक अपग्रेड लेवल अप करना और मेन स्टोरी कंप्लीट करनी है हमें। शायद चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया, 10 भी कंप्लीट कर लिया हमने, चैप्टर 11 कंप्लीट करना है और इसके अलावा स्पिरिट टावर कंप्लीट करना है लेवल 20 तक, लेवल 2 मतलब टायर 2 का लेवल 10। अभी टायर 1 कंप्लीट किया है, टायर 2 कंप्लीट करना है। चलो भाई एक नंबर रहा यार ये एपिसोड, तो हमने काफ़ी नए टीम मेंबर्स को इंक्लूड किया जिनसे हमारी टीम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और हमने इसके अलावा मिस्टी वुड कंप्लीट किया गाड़ी वो करलिया की हेल्प से, और उसके बाद करलिया की हेल्प से हमने इस नए जिम लीडर को भी निपटा दिया। और यहाँ हम कलेक्ट कर रहे हैं भाई डायमंड्स, अगर आप लोग नहीं कर रहे हो कलेक्ट तो कर लेना भाई, क्योंकि इस गेम में भी डायमंड्स बाकी सारे गेम्स की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि काफ़ी इजीली मिल रहे हैं इस गेम में, बाकी गेम्स की तरह उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही हमें, काफ़ी इजीली मिल रहे हैं यहाँ पे डायमंड्स, काफ़ी सही है यार जो कि। और अगर आप लोग नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और ये गेम अगर खेलना हो तो डिस्क्रिप्शन में गेम डाउनलोड की लिंक है, वहाँ से जाके आप ये गेम डाउनलोड करके खेल सकते हो मेरे साथ। तो भाई अब देखते हैं, हमारे पास 3 पोकेमोन हैं जिनको हम और पावर अप कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से। और यहाँ एक ये नाइन टेल्स है मुझे दिख रहा है, इसको भी आई थिंक हम इवॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी सारे वल्पिक्स भी दिख रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इसको भी टीम में लें यार, ये भी मतलब रायचू के साथ का ही है यार, रायचू हो गया, चारिज़ार्ड, ब्लास्टोइस, वीनस और इन सब के साथ का ही है भाई। तो यहाँ ये रहा वल्पिक्स, इसको इवॉल्व करने के लिए हमें 2 और वल्पिक्स चाहिए पड़ेंगे 4-star वाले। तो हमारे पास सिर्फ 2 वल्पिक्स हैं 4-star वाले और 2 हैं 3-star वाले, तो ये 3-star वालों को हम कंबाइन कर लेंगे, इससे हमें मिल जाएगा एक 4-star वाला वल्पिक्स। और अभी जो 3 4-star वाले वल्पिक्स हैं इनको कंबाइन करके हम इवॉल्व कर लेंगे और हमें मिल जाएगा एक 9 टेल्स। और भाई
अब दोनों 90s को कंबाइन करके हम इसका फाइनल फॉर्म लेंगे। एक तरफा भाई, चलो भाई दोनों 90s को कंबाइन करते हैं और इवॉल्व करते हैं और इससे हमें मिलेगा फाइनल फॉर्म 90s का, जो कि इस गेम में अलोलन 90s बट लुक में अलोलन 90s है और एक्चुअल में वो फायर टाइप का ही रहेगा इस गेम में, जैसे कि ट्रेनर कैनियन में मैरोवैक क्यूबॉन मैरोवैक में इवॉल्व होता है, मैरोवैक इवॉल्व होता है अलोलन मैरोवैक में, सेम टू सेम ऐसा ही एग्जीक्यूटर इवॉल्व होता है अलोलन एग्जीक्यूटर में। भाई अजब ही हिट है यार। मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।